यहाँ पे प्रोसेस समझाते हैं, अगर कोई लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है? कोई भी अफराद अगर आएगा वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जिससे NIC है वो साथ लेकर आए, अपन वहाँ से हासिल करेंगे। बाहर ले जाएंगे, हमारे पास काउंटर मौजूद है, डिलीवरी काउंटर, उस काउंटर पर वो टोकन सबमिट करवाएंगे और जिस स्लिप पे वो देंगे उस स्लिप पे स्टैंप होगा, वो टोकन सबमिट करवा देंगे, देन उनको जो अशिया है उनको मिल जाएगी। अजी तो सर, जो आटा बाजार में इस वक्त 1600 रुपये का 10 किलो मिल रहा है वो यहाँ पे सिर्फ 1150-1150 रुपये में मिल रहा है, लेकिन लेके जाने कुछ जो चीज़ मार्केट में तरबूज 70-80 रुपये चल रहा है इस वक्त, हमारे पास 50 रुपये किलो है, कोलाची मार्केट में 100-120 रुपये किलो बिक रही है, हम 60 रुपये किलो बेच। ठीक, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, द हंग्री वॉइस की हमेशा से ही कोशिश होती है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है उसकी मुनासबत से गरीब आवाम के लिए और जो सफेद पोश तबका है उसके लिए या उनकी सहूलत के लिए कोई ना कोई काम करे और ऐसी जगहों को जुड़े जहाँ पे सफेद पोश तबका बाइज्जत तरीके से कोई ना कोई काम हासिल कर सके। जी दोस्तों, इसी अजम के साथ आज हम आए हुए हैं सैलानी वेलफेयर के ऑफिस में, क्योंकि सैलानी वेलफेयर ने लॉन्च किया है रमजान मुबारक के मुकदस महीने में ये बचत बाजार। दोस्तों, सैलानी ने रमजान बचत बाजार में आम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए या सब क्या कहना चाहिए कि सफेद पोश तबके के लिए एक बचत बाजार का निकाल किया गया। यहाँ पे ये आटा, दालें और तेल, कुछ शरबत और घी, मतलब रोजमर्रा की घरेलू खाने की जो अशिया है उनके ऊपर 30-40% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कोई चीज़ अगर आप मार्केट से आप 1000 रुपये की लेने जाएंगे तो सैलानी वेलफेयर से अगर आप लेंगे तो आपको वो 700 रुपये तक ही मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, इनको एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देता है, किन किन चीज़ों पर इन्होंने ऑफर लगाई है, किस चीज़ के क्या रेट हैं वो भी बात करते हैं, कोशिश करेंगे कि इनसे भी आपकी बात करें, फिर हमारे साथ। जी दोस्तों, जो आटा बाजार में इस वक्त 1600 रुपये का 10 किलो मिल रहा है वो यहाँ पे सिर्फ 1150-1150 रुपये में मिल रहा है, जो तेल आपको मार्केट में 750-700 रुपये का मिल रहा है वो यहाँ पे सैलानी के आउटलेट से अगर आप लेंगे तो आपको सिर्फ 400 रुपये मिलेगा। पुलिस की बोतल जैसी जो आपको मार्केट में 300 रुपये की वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ किचन के शेयर की तरफ भी आते हैं, यहाँ पे सैलानी वाले की तरफ से एक छोटा सा शॉल यहाँ पे लगाया गया जहाँ पे गर्म मसाले अवेलेबल है। तो भाई अंकल से बात करते हैं कि गर्म मसाले इस वक्त किस रेट पर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल ये बताएं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप दे रहे हैं? सर, इसमें साबुत धनिया है, पेशावर धनिया है, लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई मिर्चें हैं और आपका हल्दी है, किसी भी हल्दी है और क्या दालचीनी, सब कोई सा भी पैकेट देंगे इसमें आपको 100 रुपए का मिलेगा। 100 रुपए का एक पैकेट? एक पैकेट। सही, तो इसके लिए भी टोकन लेना होगा या ऐसे ही? नहीं, ये ऐसे ही है, ये कैश है, बाकी जो दूसरी चीजें हैं उनके लिए। जी दोस्तों, सब हम सैलानी टॉपर में खड़े हुए हैं, यहाँ पे राशन के साथ साथ खाने पीने चीजों के साथ साथ फ्रूट पे भी फोकस किया हुआ है, यहाँ पे फ्रूट के स्टॉल पे आए हुए हैं। आइए हम सबसे बात करते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि क्या क्या चीजें आपके मिल रही है? हमारे पास तरबूज है और गुलाची है। तो क्या क्या उसके क्या प्राइस है? तरबूज 50 रुपए किलो है, गुलाची 60 रुपए किलो है। तो लोग पब्लिक का क्या लोग हैं? पब्लिक लेके जा रही है, जो चीज मार्केट में तरबूज 70-80 रुपए चल रहा है इस वक्त, हमारे पास 50 रुपए किलो है, कोलाची मार्केट में 100-120 रुपए किलो बिक रही है, हम 60 रुपए किलो बेच। ठीक है, तो जैसे उसकी लिमिट तो ये यहाँ पे भी कोई लिमिट है? नहीं नहीं, जो बंदा है जितना लेना चाहे लेके जाए, कोई कहती है। सही दोस्तों, इस वक्त हम सैलानी के वेयर हाउस में आ चुके हैं और माशा देखें कितने बड़े पैमाने पर माशाल्लाह काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, ये देखें आटे की थदे लगे हुए हैं और काफी ज्यादा क्वान्टिटी में इन्होंने सामान लिया हुआ, लोग आ रहे हैं, इनके जो रजाकार हैं, जो वर्कर्स हैं सैलानी के, वो लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ऑयल की बोतलें रखी हुई, यहाँ पे ऑयल के जो पैकेट रखे हुए हैं वो इसकी बोतलें रखी हुई हैं, पीछे भी ऑयल है और माशाल्लाह से सारा कुछ साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, जिस तरह सैलानी के बाकी जगहों पर जो है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सर्विस दी जाती है, जो गरीब लोग हैं, जो सफ़ेद पेशा लोग हैं उनको बाइज्जत तरीके से रोज़गार फराम किया जाता है, बाइज्जत तरीके से खाना प्रोवाइड किया जाता है, तो इसी तरह बहुत ही ज़्यादा बाइज्जत तरीके से उनको राशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जी दोस्तों, इस वक्त हम सैलानी के ऑफिस के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे साथ काशिफ भाई हैं, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। काशिफ भाई, ये बताएं कब से ये सिलसिला शुरू हुआ रमजान बचत बाजार? माशाल्लाह 30 तारीख से हमने स्टार्ट किया, 30 मार्च से। 30 मार्च से स्टार्ट किया, माशाल्लाह रनिंग है, अभी काफी लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल, काफी हमारे पास मतलब लोग आ रहे हैं चीज लेने। ऐसा ही, ये हमें बताइए कौन सी चीज यहाँ पे कितने की मिल रही है? हम इस वक्त आटा जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सही, जिसकी मार्केट में कीमत तकरीबन 1450-1500 रुपए, सही, और हमारी तरफ से सैलानी वेलफेयर की तरफ से ये 1150 का दिया जा रहा है। सही, 1150 में 10 किलो का आटा? जी 10 किलो आटा है। ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा हम ऑयल, अब एहतमाम का जो ऑयल है अगर इसे कंपेयर करें तो ये एक यानी आला क्वालिटी में आती है, सही, जिसकी कॉस्ट होती है 580-600 रुपए, सही, हम ये 400 रुपए में दे रहे हैं, 399 यानी इसके अंदर भी 150 के करीब तकरीबन डिस्काउंट है। इसी तरह क्विज सिरप है जो जैसे कि जामे श्री होता है, इसी तरह क्विज का सिरप है, मार्केट में उसके जो अमाउंट टैग हुई है वो हुई है 300 रुपए डिस्काउंट के बाद 250,
बट हम प्रोवाइड कर रहे हैं 150 रुपए। अच्छा माशाल्लाह 150 रुपए का दे रहे हैं जी, मतलब आधी कीमत पे दे रहे हैं। ऐसा ही है माशाल्लाह। ये तो भाई बहुत ज्यादा जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस है, और मैंने खुद भी देखा है यहाँ पे, हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत ज्यादा लोग हैं माशाल्लाह आ रहे हैं, और बिल्कुल मैनेजमेंट से जो है वो काम हो रहा है। पहले आते हैं टोकन बनाते हैं, इसी तरह जरा प्रोसेस समझा दें हमारे लोगों को। आप आए तो आपको दिखाता हूं मैं जी। दोस्तों सब हम दोबारा आ गए हैं ट्रेन ऑफिस में, जहाँ पर लोग आते हैं, और जो है आपको प्रोसेस भी यहाँ पे समझ रही है। काशिफ भाई पहले तो सबसे पहले टाइमिंग बता दें। सुबह 12 बजे हमें स्टार्ट कर देते थे और 6 बजे तक हमारा ये रश रहता है। कोई भी अफराद अगर आएगा वो अपना कौमी शनाख्त कार्ड जिससे NIC है वो साथ लेकर आए। इसी तरह ये लाइन पे हमारे पास आएंगे, लाइन लगवाएंगे, लाइन लगवा कर वो टोकन वहाँ से हासिल करेंगे। टोकन लेके स्टैम्प करवा के वो टोकन हमारे पास बाहर लेकर आएंगे। बाहर लेकर आएंगे, हमारे पास काउंटर मौजूद है डिलीवरी काउंटर, उस काउंटर पे वो टोकन सबमिट करवाएंगे, और जिस स्लिप पे वो देंगे उस स्लिप पे स्टैम्प होगा, वो टोकन सबमिट करवा देंगे, देन उनको जो अशिया है उनको मिल जाएगी। एक टोकन में क्या क्या चीजें बता दें? 3 डिफरेंट टोकन है, सिरप का अलग है, आटे का अलग है, ऑयल का अलग है। और एक NIC पे कितने हम टोकन ले सकते हैं? हम एक NIC पे 2 ऑयल, 1 सिरप और 1 आटा प्रोवाइड कर दिया। सिरप तो बढ़ा दिया, 3 कर दिया। 3 सिरप जी। यानी अगर एक बंदा आए वो आपको जो पैसे दे के वो 1 आटा 2 ऑयल और 3 सिरप ले जा सकता है। दोस्तों ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नेकी का काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वेलफेयर का काम हो रहा है। वैसे भी सैलानी वेलफेयर कोई धके चुके तो आए जिंदगी के जो है वो 63 से ज़्यादा शोबों में जो है वो सैलानी वेलफेयर काम हो रहा है। माशाल्लाह आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है, तो गरीब आदमी किससे जा रहा है, उस वक्त ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है लोगों को इससे। काफ़ी जो आवाम जो परेशान थी उनकी परेशानी दूर हो गई इस चीज़ से। अच्छा ये लिमिट भी नहीं आए तो महीने में एक दफ़ा बंदा आए तो? अभी हमने जो एक है बेसिकली अफराद की हम ज़्यादा है, ठीक है, पीपल ज़्यादा है, इस वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और वो क्वांटिटी हम एक साथ निकाल नहीं सकते, इसीलिए हमने ब्लॉकेज की हुई है CNIC को। 10 से 15 दिन बाद वो बस शख्स दोबारा इस तरह से आ जाए, महीने में कम से कम 2 दफा लेके जाए। हाँ दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा।